हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अभी जो चल रहा था टॉपिक स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का। स्लोप और डिफ्लेक्शन हमने किससे फाइंड आउट की थी? पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड से। अब हम लोग करते हैं मैकाले मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर क्या था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैथमेटिकली काफ़ी यूज़ हो रहा था, और वो टू पॉइंट लोड के लिए यदि किसी बीम पे यदि दो पॉइंट या टू से ज़्यादा लोड लग रहे हैं उसके लिए वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए क्या है, ये मैकाले मेथड आया। मैकाले मेथड भी अच्छा मेथड है। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, मेनली ये टू किसी भी पॉइंट पे कहीं भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम एक्स की वैल्यू पुट करते जाते हैं और जिस पॉइंट पे चाहिए हम लोग उस पॉइंट पे क्या निकाल लेते हैं, अपनी स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ये टू पॉइंट लोड के लिए, मोर देन वन पॉइंट लोड के लिए ज़्यादा बेटर मेथड है ये। तो ये देखिए, अब आप एक क्वेश्चन लेते हैं, मैकाले मेथड कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। आप ये क्या है, मेरा ए और बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक यहाँ पे लोड लग रहा है डब्ल्यू वन का, जिसका डिस्टेंस है ए, ठीक है। एक लग रहा है मेरा डब्ल्यू टू का, जो कि डिस्टेंस है ए से मेरा बी डिस्टेंस है। ए से मेरा कितना डिस्टेंस है, बी डिस्टेंस। इसके अंदर हमेशा एक बात याद रखनी, और ये टोटल स्पान कितना है मेरा, एल का स्पान है, क्लियर। इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हमें ए को ही ओरिजिन मानना है, यानी कि जो एक्स डिस्टेंस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, ए से ओरिजिन डिस्टेंस ओरिजिन लेंगे हम। ये पॉइंट सी ले लेते हैं, ये पॉइंट डी ले लेते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, भी वही हमारी रिएक्शंस वगैरह है, जैसे इसकी रिएक्शन को मैं लिख लेती हूँ आर ए, और इसकी रिएक्शन को मैं लिख देती हूँ आर बी। आप देखिए इसके अंदर तीन जोन बन रहे हैं आपके। तीन जोन कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो आपका एक्स यहाँ लाई कर सकता है, एक आपका एक्स यहाँ लाई कर सकता है, और एक आपका एक्स यहाँ लाई कर सकता है, ठीक है जी। तो हम इससे क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं मोमेंट की। कौन सी मोमेंट की, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाते हैं, जिससे क्या पता चल जाएगा हम लोगों को, हम एक उससे क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे इक्वेशन और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल, मेरा ये एक्स है वो यहाँ लाइक कर रहा है, ये मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ उसको। अब क्या है, आपका ये डब्ल्यू वन हो गया और ये क्या आ गया आपका डब्ल्यू टू हो गया। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बी। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्स मेरा यहाँ लाइक कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन कितनी आ गई आर ए, और ये रिएक्शन कितनी आ गई आपकी आर बी। इस पॉइंट को आप उठा लो, ये कितना क्या लिया मैंने, ओरिजिन क्या लिया ए, एक्स क्या आ गया एक पॉइंट आ गया, एक सेक्शन आ गया जहाँ पे हम लोग मानते हैं भी एक्स है वो ए सी रीजन में लाई कर रहा है। कौन से पार्ट में लाई कर रहा है, ए सी पार्ट में लाई कर रहा है, समझ आया। इस पोर्शन को आप लीजिए, मैं इसको छोटा करके इसको जूम करके दिखा देती हूँ। ये क्या है अपना एक्स है, यहाँ पे अपना लोड आ रहा है आर ए, ठीक है। यहाँ पे अपनी मूवमेंट आ रही है एम एक्स, ठीक है जी। और तो कोई लोड ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं, वो आपकी मर्जी, आप पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप अपने हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो। एंटी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव ले लिया, और इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो आर ए इंटू एक्स माइनस का माइनस का आर ए इंटू एक्स, क्या आ जाएगा, ये मेरी क्या आ गई मूमेंट आ गई है, ठीक है। यानी एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया आर ए एक्स आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। ये इसके अंदर क्या हुआ, यदि मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ, ये लिखते थे पोर्शन, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं एम एक्स यानी मूमेंट, और यहाँ लिख देती हूँ मैं लिमिट, ठीक है। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से, काफ़ी इजी मेथड है ये। लेकिन अब आप देखिए, पोर्शन पोर्शन कौन सा लिया, अब आपने एक्स डिस्टेंस किस में लिया आपने, ए सी में। एम एक्स कितनी आई है आर ए इंटू एक्स, मैं कह रही हूँ साइन का भी कोई मतलब नहीं है। लिमिट देखो, लिमिट क्या है, एक्स की लिमिट जीरो से लेके कहाँ तक जा रही है, यानी कि एक्स है वो जीरो से बड़ा है या फिर जीरो के बराबर है, और लेकिन छोटा और इक्वल किसके, ए से, यानी कि लिमिट एक्स की कहाँ से कहाँ तक गई, जीरो टू ए गई, क्लियर। अब बारी आती है कि मेरा बाई चांस सेक्शन यहाँ लाइक कर जे, यहाँ लाइक कर जे, इसकी प्रोजेक्शन ले लो आप, ये देखो इसकी प्रोजेक्शन ले आई।
जब हम इसकी प्रोजेक्शन लेके आए हैं तो आपका सेक्शन कुछ ऐसा बनता है, बोलो बनता है कि नहीं बनता। ये यहाँ तक गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका x, मैं जूम करके दिखा रही हूँ इसको, ये x आ गया। यहाँ पे आपका एक लोड लग रहा है W1 किलो न्यूटन का, कितना लोड लग रहा है आपका W1 किलो न्यूटन का, और ये कितना है आपका A, कितना जा रहा है A, और यहाँ पे आपका RA आ रही है, बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे आपकी क्या आ रही है, एक मोमेंट आ रही है mx, क्लियर। वही लेंगे हम सिग्मा m इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑल मोमेंट्स अबाउट दिस पॉइंट इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इसके ऊपर खड़े हो जो आर ए इंटू एक्स कैसे जा रही है, एंटी क्लॉक वाइज, तो माइनस ऑफ आर ए इंटू एक्स, ठीक है जी, आर ए इंटू एक्स। अब क्या हुआ, लोड की वजह से आएगी डब्ल्यू इंटू, ये पूरा डिस्टेंस तो एक्स है, डब्ल्यू इंटू इस पॉइंट पे खड़े हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इतना ही आएगा। तो ये कैसे फाइंड करेंगे आप, एक्स माइनस ए, यानी कि ये कैसे जाएगी एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिवली है, डब्ल्यू वन इंटू एक्स माइनस ए, बताइए भाई, ठीक है। और ये भी एंटी क्लॉक वाइज है तो ये क्या आ जाएगी, प्लस का एम एक्स आ जाएगा, ठीक है। एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, आर ए एक्स माइनस डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए, ठीक है जी। ये मेरा पोर्शन कौन सा आया, पोर्शन कौन से किस किस के बीच में लाई किया, ए टू डी लाई किया, ए टू डी, यानी कि पोर्शन मैं ले लेती हूँ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं पोर्शन किसके बीच में लाई कर रहा है, ये बी डी के बीच, सी डी के बीच में लाई कर रहा है, किसके बीच में लाई कर रहा है ये अपना सी डी के, ये सेक्शन किसके बीच में लाई कर रहा है, सी डी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है जी। यदि हम ए डी लूँगी तो ए डी में तो ये यहाँ भी कंसिडर कर सकता है। तो कहने का मतलब मुझे पोर्शन कौन सा लेना पड़ेगा जो जिनके बीच में लाई कर, सी डी, यदि आप ए डी लेते हैं तो हो सकता है वो यहाँ लाई कर जाए, तो यहाँ का ना लेके मैं इन दोनों पोर्शन का लेता कि एग्जैक्ट अपने को समझ आ जाए। तो मोमेंट कितनी आ गई अपनी, आर ए इंटू एक्स माइनस ऑफ डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए, और लिमिट कहाँ है, लिमिट आपकी ए से स्टार्ट हो रही है, यानी एक्स है वो किससे बड़ा है या बराबर है ए के, और छोटा या फिर बराबर किसके है, बी के, यानी कि आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती है, ए से लेके और बी तक आपकी क्या जा रही है, ये लिमिट जा रही है, क्लियर। थर्ड पोर्शन जो बनता है मेरा, थर्ड पॉइंट वो बनता है मेरा सेक्शन यहाँ लाई कर जे, सेक्शन कहाँ लाई कर जे, यहाँ पे लाई कर जे। यदि सेक्शन यहाँ लाई कर रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन ले लो आप, मैं इस यहाँ ले लेती हूँ इसकी प्रोजेक्शन, ये देखिए, ये यहाँ ले लेते हैं, ये देखिए आपका ये सेक्शन ऐसा बनेगा। मैंने क्या कहा था, इसमें फर्स्ट अजम्पशन ये है भी ओरिजिन है हमें लेफ्ट हैंड से लेना है, ठीक है जी। ये मेरा आ गया डब्ल्यू वन, ठीक है, और ये कितना आ गया आपका W2 आ गया। यहाँ से यहाँ तक ये A मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक का आपका B मीटर का डिस्टेंस है, और ये कितना है आपका RA, और आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपका X है, और यहाँ पे ये मूवमेंट आ रही है आपकी MX, क्लियर। तो टोटल मूवमेंट सिग्मा M इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एम इज इक्वल टू जीरो, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आ गई, एम एक्स इस पे खड़े हो, इस ये ले लो आप। अब आर ए, आर ए इंटू एक्स इस पॉइंट पे खड़े हो जो आर ए इंटू एक्स माइनस ऑफ आर ए इंटू एक्स, क्लियर। अब ले इस की लीजिए आप डब्ल्यू इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो पूरा एक्स था, एक्स में से क्या माइनस हो गया, ए माइनस हो गया, तो माइनस माइनस ऑफ ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिवली है, डब्ल्यू वन इंटू एक्स माइनस ए, क्लियर। प्लस अब क्या आ गया ये डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू क्या आएगा एक्स में से, ये वाला डिस्टेंस आएगा ना डब्ल्यू टू के लिए इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, तो यही आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक बी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ डब्ल्यू टू एक्स माइनस बी। ये मेरी क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई है जिसको कहेंगे आपका कंबाइंड इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, अब मैं यहाँ लिखती हूँ इसको, पोर्शन कौन सा आ गया मेरा डी बी,
डी बी पोर्शन आ गया, एम एक्स क्या आ गई, एम एक्स ये सारी चीजें उधर चली जाएंगी ना, इक्वल टू जीरो है ये, एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए इंटू एक्स माइनस ऑफ डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए प्लस डब्ल्यू टू एक्स माइनस बी। क्लियर, ये लिखते हैं आप, आर ए एक्स माइनस ऑफ डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू टू एक्स माइनस बी, और लिमिट कितनी गई आपकी, यहां पे लिमिट लिख रही हूं मैं, लिमिट गई आपकी बी से लेके कहां तक जा रहा है, एक्स एल से छोटा या एल के बराबर होगा, यहां तक जा सकता ना ये सेक्शन, यहां तक भी तो जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है, क्या बढ़ता जाता है, एक्स बढ़ता जाता है, जो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, यानी कि वेरिएबल्स का मतलब कि इसके कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं, हम ये कह सकते हैं एम एक्स है, पहले एक डिजिट था आर ए इंटू एक्स था, जैसे एक्स बढ़ा, देखो एक्स कहां से कहां तक था, इतना लेंथ थी, यानी एक्स छोटा था, अब क्या हुआ एक्स जैसे ही बढ़ा तो इसकी देखो मूवमेंट में एक और ऐड हो गया, एक और टर्म ऐड होगी कहने, ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिर एम एक्स और बढ़ गया तो एक टर्म और ऐड होगी, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी टर्म है वो क्या होती जाती है, एडअप होती जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको जिस पोर्शन का भी निकालना होता है आप उस पोर्शन को कट करो और डायरेक्ट इसकी वैल्यू रखो, तो मैं बाई चांस मैं डी बी ये सेक्शन यहाँ यही लेती हूँ, कोई बात नहीं, आप एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर ए एक्स, ठीक है, लेकिन ये कौन से जोन का है, फर्स्ट जोन को लिखना है पहले आपने, फर्स्ट जोन को, ये कौन से जोन का है, ये ए सी जोन का है, प्लस प्लस आर ए मिनी आगे वाला जो आया है अपना, ठीक है, इसको आप इसको प्लस ले लो या माइनस है, तो ये जो भी टर्म आई है आपकी, ये वाली टर्म लिखने है, फाइनल कंडीशन वाली लिखनी, ये किसके लिए आई थी, फर्स्ट जोन के लिए आई थी, ये किसके लिए आई थी, सेकंड जोन के लिए, ये क्या थर्ड जोन के लिए, अपने आप पता चल जाएगा अपने को, आप ऐसा करो माइनस ऑफ लिख लो चाहे, माइनस डब्ल्यू वन एक्स माइनस ए माइनस डब्ल्यू टू एक्स माइनस बी, यहाँ पे जोन चेंज हो रहे हैं, क्लियर, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये साइन है इधर इसके माइनस लगा दो, इधर प्लस प्लस कर दो, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे ये किसके बराबर है एम एक्स, हम लोगों ने फर्स्ट में डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन किस किस का रिलेशन था, स्लोप डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उस स्लोप रेडियस उससे हमने लोगों ने किया था ई आई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, समझ आया, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्लियर, अब बारी आती है, कहने का मतलब क्या हुआ, x जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है मेरा, मेरे नंबर ऑफ टर्म्स किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर है, वो भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, क्लियर, समझ आया, अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं छोटा, जिसके अंदर वो कहता है कि मेरा एक बीम है, अपना एक क्या है, एक बीम है, सिंपल बीम है, इस बीम के ऊपर यहां W किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, और ये डिस्टेंस मेरा दे दिया L बाय टू, और ये भी दे दिया मेरा L बाय टू, क्लियर, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आर ए और आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसने कहा है डिफ्लेक्शन, आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करनी है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले मुझे आर ए और आर बी की वैल्यू चाहिए, वैसे तो दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सेंटर में लग रहा है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसा करो आर बी इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितना है एल, आर बी इंटू एल, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव ले लिया इसको, ले लो नेगेटिव, माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एल बाय टू इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया, तो आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W बाय टू आ जाएगा, ठीक है जी, और हमें पता है आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है, W है टोटल लोड, आर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W माइनस आर बी
यानी कि w माइनस w बाई टू। आर बी की वैल्यू क्या है, w बाई टू है, तो कितना आ गया अपना w बाई टू, यानी कि आर ए भी w बाई टू आ गया और आर बी भी क्या आ गया अपना w बाई टू आ गया। समझ भी आ रहा है आपको। मैं अब क्या करती हूँ, सेक्शन मैं यहाँ कंसीडर कर लेती हूँ, इस पॉइंट पे आप क्या कर लेते हैं, सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, ये आपका बीम है, ये क्या ले लिया मैंने, एक्स डिस्टेंस ले लिया, यहां पे आपकी मूवमेंट आ रही है डब्ल्यू बाई टू, ठीक है, और यहां पे आपका लोड लग रहा है डब्ल्यू का, ठीक है, और ये क्या है आपकी यहां पे एम एक्स आ रहा है। समझ आया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट आप क्या ले लेंगे, मूवमेंट ले लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट क्या लेंगे आप, मूवमेंट लेंगे। तो जब मूवमेंट लेंगे तो क्या आएगा, आर डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स, क्या ले रहे हो आप क्लॉकवाइज को लेफ्ट में, क्या ले रहे हो, नेगेटिव ले रहे हो, तो नेगेटिव ले लो, माइनस हो, ये भी ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस पॉइंट पे करो डब्ल्यू इंटू, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये एल बाई टू है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव चला जाएगा, w बाई टू सॉरी w इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, बोलिए भाई, ये देखो x इंटू एल माइनस, ये टोटल कितना x है, x में से ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, x माइनस एल बाई टू, क्लियर, प्लस एम एक्स इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये आप पे डिपेंड करता है भी, आप पॉजिटिव नेगेटिव किसको लेते हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एम एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डब्ल्यू बाई टू एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स एल बाई टू, ठीक है। आपने यहाँ पे जो फर्स्ट जोन आया है वहाँ पे आपने लिमिट जरूर रखनी है भी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। क्लियर हुई बात आपको, ये क्या आ गई एम एक्स की वैल्यू आ गई। इसके अंदर मैं फिर बता रही हूँ, आप ये माइनस प्लस का वो ना रखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है माइनस प्लस की आप, ठीक है। अब हम लोगों को पता है ये किसके इक्वल है भाई, ई आई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर के इक्वल है, ये इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू एक्स, लिमिट आ गई है, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू, ठीक है जी। इसका आप क्या करेंगे, यदि इंटीग्रेशन कर देते हैं तो यहाँ क्या आ जाती है, स्लोप आ जाती है, तो डी वाई बाई डी एक्स ई आई तो रहेगा इसका डब्ल्यू बाई टू इंटू एक्स स्केयर बाई टू। अब जो फर्स्ट टर्म है कॉन्स्टेंट सिर्फ उसके साथ आता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है मैकाले मेथड, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप देखो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन हो रहा है तो एक कॉन्स्टेंट है वो इसके साथ ऐड होगा, बस इसके साथ कोई ऐड नहीं होगा, और ये एक टर्म है एक्स की, माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू का स्क्वायर, और ये स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आ गया, समझ भी आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसी का यदि मैं एक बार और इंटीग्रेशन कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, ये यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लगा लेना भाई, ठीक है। इसकी क्या मिल जाएगी अपने को, डिफ्लेक्शन मिल जाएगी। बोलो डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई फोर तो पहले था ही, ये क्या आ गया एक्स क्यूब ओवर थ्री प्लस सी वन, यहाँ कुछ नहीं है सी वन, और कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, प्लस यहाँ पे फिर क्या लग जाएगा, एक कॉन्स्टेंट, फर्स्ट टर्म में ही कॉन्स्टेंट लगने हैं, ठीक है जी। माइनस ऑफ ये एक टर्म है, माइनस ऑफ डब्ल्यू बाई टू एक्स माइनस एल बाई टू का क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, यहाँ कर दिया मैंने। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास डिफ्लेक्शन के अंदर ये आई है ई आई वाई डब्ल्यू एक्स क्यूब ओवर ट्वेल्व प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय सिक्स एक्स का एल बाय टू का क्यूब। देखो कई बुक्स के अंदर इसको नेगेटिव लिया है, फर्स्ट टर्म को क्या लिया है, उसने नेगेटिव लिया है, और इसको क्या लिया, आपको पॉजिटिव लिया। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी ने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया और किसी ने एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है।
और अब हमें क्या लगानी पड़ेगी, बाउंड्री कंडीशन। आपका ये बीम है, ऐसा बीम है, इस बीम के ऊपर जब लोड आता है तो इसकी इलास्टिक कर्व ऐसी बनती है। कहने का मतलब कि आपने एक्स यहाँ से स्टार्ट किया था, जब आप एक्स इजिकल टू जीरो पुट करते हो तो यहाँ पे आपकी डिफ्लेक्शन हो रही है, कोई कोई नहीं हो रही। आप यदि एक्स इजिकल टू एल पुट करते हो, यहाँ पे भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एट एक्स इजिकल टू जीरो वाई इजिकल टू डिफ्लेक्शन इजिकल टू जीरो, ठीक है, डिफ्लेक्शन इजिकल टू जीरो, और डिफ्लेक्शन क्या है मेरी, ये है। तो यहाँ मैं पुट करती हूँ जीरो इजिकल टू एक्स की जगह जीरो पुट करूंगी, तो जीरो एट एक्स इजिकल टू जीरो प्लस सी वन, ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस सी टू, और ये क्या हो जाएगा जीरो माइनस एल बाय टू। एक बात याद रखना कि जहाँ पे हमारी नेगेटिव आ जाए, पावर को नहीं देखना, अंदर ही देखो ब्रैकेट के अंदर, जहाँ हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाए उसको डिस्कार्ड कर देना, हमें उसको लेना ही नहीं है। जीरो माइनस एल बाय टू का क्यूब आ गया, इस वैल्यू को हमें लेना ही नहीं है। तो सी टू की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है। समझ आया, हर किसी केस के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। इसकी दो तीन चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, वो माइंड सेटअप कर लो उसके अकॉर्डिंग। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है अपनी, यदि मैं एक्स इजिकल टू एल पुट करूँ तो भी मेरी डिफ्लेक्शन है वो क्या आ जाएगी, बी पे क्या आ जाएगी अपनी, जीरो आ जाएगी। इसमें पुट करते हैं अपा, ये तो जीरो हो गया, ये हो गया डब्ल्यू एल क्यूब ओवर ट्वेल्व एट एक्स इजिकल टू एल प्लस सी वन इंटू एल, सी टू तो जीरो आया है, माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय सिक्स, आप करके देख लो, एल माइनस एल बाय टू का क्यूब, एल माइनस एल बाय टू का क्यूब हो रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पॉजिटिव आ रही है ना, इसको कंसीडर करेंगे हम, ये आएगा डब्ल्यू एल क्यूब ओवर ट्वेल्व प्लस सी वन एल माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय सिक्स, एल एल माइनस एल बाय टू, पॉजिटिव एल बाय टू बच रहा है, एल बाय टू का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू एल क्यूब ओवर ट्वेल्व प्लस सी वन एल माइनस ऑफ टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 48। बोलो आया कि नहीं आया, इक्वल टू क्या आ गया मेरा, जीरो आ गया। तो इसको करते हैं सी वन एल इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 48 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 12, इसका एलसीएम 48 आ गया, वन माइनस थ्री यानी कि थ्री बाय माइनस फोर डब्ल्यू एल क्यूब। कहने का मतलब कि सी वन एल इजिकल टू आ गया आपका थ्री बाय फोर्टी एट डब्ल्यू एल क्यूब, ठीक है। तो सी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/48 डब्ल्यू एल स्क्वेयर। समझ आया, यहाँ पे मेरी वैल्यू किसकी आ गई है, सी वन की वैल्यू आ गई है, क्लियर। जब मेरी सी वन की वैल्यू आ गई है तो अब मैं क्या करूँगी, सी वन की वैल्यू इस डिफ्लेक्शन में भी कर दूंगी, और जहाँ स्लोप आई है उस स्लोप के अंदर भी इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे आप, पुट कर देंगे, क्लियर। तो देखिए अब आप पुट करते हैं इसके अंदर सी वन की वैल्यू, पहले स्लोप के अंदर पुट कर लेते हैं, ये ई आई डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू क्या आया था, डी वाई बाय डी एक्स इजिकल टू क्या आया था मेरा, डब्ल्यू एक्स क्यूब डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर बाय फोर, डब्ल्यू एक्स स्क्वेयर बाय फोर प्लस सी वन है, सी वन की जगह क्या लिखूंगी मैं, माइनस का थ्री बाय फोर्टी एट माइनस का 3/48 डब्ल्यू एल स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस डब्ल्यू बाय टू एक्स की एल माइनस एल बाय टू का स्क्वेयर। अब आपको एक्स क्या दिया है, उसने सेंट्रल पॉइंट पे बोला है ना, उसने क्या कहा, स्लोप निकालो। स्लोप तो आप देखो कि आप इसकी डिफ्लेक्टेड शेप देखो, स्लोप इसकी एक्स इजिकल टू जीरो पे मैक्सिमम आएगी या एक्स इजिकल टू एल पे आएगी। तो एक्स इजिकल टू हम लोग जब जीरो पुट करते हैं तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा,
ये जीरो माइनस एल बाई टू, ये नेगेटिव आ रही है तो इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या आ गया, 3/48 डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाता है मेरा, माइनस का 3/48 डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय ई आई। देखो नेगेटिव साइन सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को, आपने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी स्लोप ऐसे आ रही है, ये एंगल आया है ये आपका, ठीक है, ये क्या है क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इसका क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया, क्लियर, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वाई की वैल्यू में पुट करेंगे, वाई के अंदर मेरी वाई की ये आई थी, वाई इज इक्वल टू क्या आया था, ई आई वाई इज इक्वल टू आया था डब्ल्यू एक्स क्यूब ओवर 12 प्लस सी वन एक्स, सी वन की वैल्यू आई है आपकी माइनस का माइनस थ्री बाय फोर्टी एट डब्ल्यू एल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस सी टू तो जीरो है ही, माइनस का डब्ल्यू बाय सिक्स एक्स माइनस एल बाय टू का स्क्वायर, डब्ल्यू बाय सिक्स ही है ना ये, वाई डब्ल्यू बाय सिक्स है, क्यूब है ये, ठीक है। तो एट आपने को दिख रहा है डिफ्लेक्शन कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, एक्स एल बाय टू पे, एक्स इजिकल टू एल बाय टू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स इजिकल टू एल बाय टू पुट करेंगे। जब मैं एल बाय टू पुट करती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल बाय टू का क्यूब माइनस 348 डब्ल्यू इंटू एल बाय टू का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू बाय सिक्स, एल माइनस एल बाय टू माइनस एल बाय टू, ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये टर्म तो आपकी जीरो होगी। यहाँ आ गया आपका डब्ल्यू एल क्यूब ओवर टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट 96 माइनस टू टू ज़ा फोर थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 48 इंटू फोर 192 ही आ गया ना। अब इसका क्या ले लेंगे आपा, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, अब इसका क्या करेंगे आपा, एलसीएम ले लेंगे ना, हाँ जी। ये हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आया था माइनस ऑफ थ्री बाई फोर्टी एट आया था, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वेयर ओवर 16 ई आई। कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा थीटा ए आ गया है डब्ल्यू एल स्क्वेयर ओवर 16 ई आई, क्लॉक वाइज है, ठीक है, स्लोप तो इतनी आ गई मेरी। अब बारी आती है यहाँ पे ये अपनी इसकी जो इंटीग्रेशन उसका डिफ्लेक्शन और फाइंड आउट करनी है ना, ये मेरी क्या बनी थी, इसकी इक्वेशन बनी थी, इसको मैं थ्री बाय फोर्टी एट आया था ना, इसको भी आप 3/48 को 1/16 लिख लीजिए ताकि थोड़ा इजी रह जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और तो कुछ नहीं है। ये अपनी जो वाई की इक्वेशन आई है ई आई, मैं दोबारा यहाँ करके बता देती हूँ, ई आई वाई इज इक्वल टू क्या आया था डब्ल्यू एक्स क्यूब, ये रहा डब्ल्यू एक्स क्यूब ओवर 12, ये रहा डब्ल्यू एक्स क्यूब ओवर 12 प्लस सी वन की वैल्यू कितनी आई थी आपकी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16 माइनस का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16, ठीक है, इंटू एक्स, सी वन एक्स था ना, ये सी वन एक्स था, यहाँ पे देखो मैं वाई में पुट कर रही हूँ, सी वन एक्स था तो सी वन की वैल्यू हमने कर ली, ये एक्स आ गया, ठीक है, और अब क्या आएगा, सी वन एक्स आ गया, ये आपका पोज ले लिया आपने, माइनस का आया था ये सी वन एक्स, प्लस सी टू तो मेरा जीरो था ही, और प्लस ये क्या माइनस ऑफ डब्ल्यू बाय सिक्स एक्स की एल बाय टू का थ्री। अब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है अभी सेंटर पे डिफ्लेक्शन मेरी मैक्सिमम होगी, तो मैं एक्स को क्या पुट कर रही हूँ, एल बाय टू पुट कर रही हूँ, ये तो जीरो बन जाएगा एल बाय टू, ये तो पूरा क्या बन गया जीरो, यह आ जाएगा वाई ई आई, ये आ जाएगा डब्ल्यू बाय ट्वेल्व और एल बाय टू का क्यूब माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16 और यहाँ क्या लिखूँगी एल बाय टू एक्स का, ठीक है, ये आ गया आपका टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट 96
डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 96, ये आ गया आपका डब्ल्यू एल क्यूब ओवर 32. अब आप देखो इसका एलसीएम लो, 96 वन माइनस थ्री माइनस ऑफ 296 डब्ल्यू एल स्क्वायर, ये गया, ये क्या आ गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 48. माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है इसलिए ये नेगेटिव साइन आ रहा है. तो कहने का मतलब कि वाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर ओवर 48 ई आई, ये ई आई इधर था ना इसके साथ, वाई के साथ ये इधर आ गया, ये मेरी क्या आ गई सेंटर पे क्या आ गई, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. आप नेगेटिव साइन लगाओगे तो नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी जो डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड हो रही है, ठीक है. और यहाँ जो नेगेटिव साइन आया था आपने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, इसलिए वहाँ पे क्या आ गया आपका नेगेटिव साइन आ गया. ठीक है जी, समझ भी आ गया होगा.